बोलते हैं कि मच्छर किसी को भी हो सकता है और बहुत ज्यादातर अगस्त में होता है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? है? नाम ले रहा है भाई। हाँ, सुन के लिए बैठ जाओ। बताओ ना कोई प्रॉब्लम है तो। अरे क्या है भाई? कैसे? बोले जी। एक्शन क्या? सर क्या कहना चाहिए आज मूवी का? ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की फिल्म है। इस बिहार में सेट है और जो वहाँ की जो बोली है और जो भाषा है और जो कल्चर है उसे कैप्चर करने का इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा है एक स्क्रिप्ट, जो एक जैसे एक शेपर्ड जो सुअरों को चराता है, वो उसकी एक ख्वाब होती है एक कोट पहनने की। तो वो एक कॉटेज इंडस्ट्री पहले शुरू कराता है बांस का, और फिर उसके बाद उसकी इंडस्ट्री कैसे, वो एक बहुत ही कमाल की एक स्टोरी है जो एक छोटे तरह के बिजनेस के बारे में, छोटी तरह की हैंडीक्राफ्ट्स की जो बिजनेस है हमारे देश की, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक बहुत ही कमाल का मुद्दा है जो शायद किसी ने दिखाया नहीं होगा इतना, कि हैंडीक्राफ्ट्स हमारे देश में कैसे बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। और तो ये उस एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की फिल्म है ये। नहीं, उस टाइप की नहीं है, बट मतलब एक छोटे कास्ट का लड़का उसे कहीं खाने किसी के घर पे खाना खाने जाता है, जो हमारे यहाँ अक्सर मतलब दलित लोग जाते हैं खाना, तो उसे कहीं कोट नजर आ जाता है और उसे वो चाहता है कि मुझे कोट पहनना है। उस चीज़ को पाने के लिए वो बिजनेस स्टार्ट करता है और अचानक मतलब कि पूरे इंडिया का वो नंबर वन वुडमैन बनता है, मतलब इस तरह की। विवान सर मेन लीड में एज ए माधव का कर रहे हैं, और सत्या सर इनके फ्रेंड बने कानू, और संजय सर इनके फादर। बहुत ही जो स्क्रिप्ट है और जो डायलॉग्स हैं इनने बहुत ही अच्छे लिखे हैं, बहुत ही ऑथेंटिक है, और जो एकदम जो खेत की जो मिट्टी है ना, एकदम वो फील है इस फिल्म में। और मेरे ख्याल से जो आई थिंक जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वो अपनी जो कल्चर देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और एक ने मुझे ये भी कहा था कि ये जो स्टोरी है इट्स सॉर्ट ऑफ बेस्ड ऑन द पर्सन हु स्टार्टेड द इंडस्ट्री ऑफ लिज्जत पापड़। तो जो जितने भी हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे कंट्री में, जो हैंडीक्राफ्ट के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ज़्यादातर हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं और उनके बारे में जानते नहीं हैं, तो ये फिल्म का जो मुद्दा है, उसका जो सब्जेक्ट है, होपफुली उस विषय पर और डिस्कशन शुरू करेगा। कितना बदलाव महसूस कर? आई थिंक बदलाव जितना भी हुआ है उस पर तो एक बहुत ही कमाल का, क्योंकि जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में घूम के आ गया हूँ ऐसा लगा उसमें, तो बहुत ही मतलब दिल खुश हो जाता है और सब कुछ इतना, तो आई थिंक स्पिरिचुअली बहुत बदलाव होता है, और आई थिंक मटेरियल वेज में भी बदलाव होता है, काम मिलता है, एड्स वैड्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन आई थिंक सबसे कमाल की चीज़ ये है कि इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ उनके चैरियट में मैं राइड करके आया, तो बहुत ही मतलब ऐसे सच्ची में लगता है कि उनके साथ माँ बाप खेल के आया हूँ, तो बहुत ही बड़ी फीलिंग है ये। जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, सो उस वक्त सबसे जैसा आपने पूछा ना कि ये किससे मिलती जुलती है, जब मुझे सिर्फ एक इस पर स्टोरी लाइन सुनाई गई थी तो मेरा भी फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या ये गुरु से मिलती फिल्म है। बट आज तो हम पोस्टर लॉन्च पे हैं, जब आप ट्रेलर लॉन्च पे होंगे, जब आप ट्रेलर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये फिल्म सुई धागा या गुरु से कितनी अलग है, और हमारे विवान सर जो हैं वो इस फिल्म में कितने अलग दिखते हैं, अगर आप पहचान जाएंगे। सो आपका डायरेक्टर आपके सामने है जी। Both it's difficult and challenging, and there of course a lot of advantages. You know, I think all of you guys know that nepotism does exist everywhere, and it exists in a very different kind of way that the children who are second generation children of the movie business, the people who are out there, they know that they exist. So, unko wo ek advantage milta hai, I think janam se.
तो जो दूसरों को शायद नहीं मिलता है उनको फ्रॉम स्क्रैच उनके अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ता है. तो इस तरीके से ज़रूर एडवांटेज हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. और प्रोज एंड कॉन्स है कि आपको काफ़ी प्रेशर होता है, उनको प्राउड करना है, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं. तो दोनों प्रोज और कॉन्स दोनों हैं. He is very happy and proud, and in fact Akshay keeps telling me that to study the film Par for this film, because even in that he had played actually like a shepherd. Ji, that's right. And even the way he had spoken, jo dialect thi wahan ki, aur khas karke ek urban ladke ko us jaise main hu, mere pitaji to phir bhi unne UP mein unka bachpana guzara tha, aur to is tarah ke characters ke sath unne bahut baat cheet ki hai. लेकिन मैंने मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में शायद कम है, शायद बोर्डिंग स्कूल में ही सिर्फ थोड़ा बहुत. लेकिन तो फॉर एन अर्बन किड टू ट्राई एंड डू द यूपी एक्सेंट एंड टू डू इट करेक्टली इज द बिगेस्ट चैलेंज. क्योंकि यूपी एक्सेंट कर तो कोई भी सकता है, वो बिहारी एक्सेंट, लेकिन उसको ऑथेंटिक बनाना वो सबसे बड़ा चैलेंज है. और जो तो जैसे उनने पार में जो बिहारी जो आई थिंक नेपाल बॉर्डर बंगाल बॉर्डर तक की जो वो थोड़ा सा उसमें बंगाली पना भी है. जी हाँ, तो इसमें भी इसमें इनका लेकिन अलग एक रीजन है. तो उसको मैं अभी हम स्टडी करेंगे और होपफुली जो 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 डायलेक्ट है उसे मास्टर करने का सबसे बड़ी मतलब उम्मीद है वो. जी एक्चुअली इस विल हाँ पिछले साल भी एक्चुअली हम आई थिंक पिछले साल इसको शूट करने वाले, तो उसके लिए वो टाइम पे मैंने बहुत ही वेट लूज कर दिया एकदम, मतलब सुकड़ी बन गया था जैसे बम्बैया में बोलते. तो और खास करके इसमें इस तरह की बॉडी की ज़रूरत है, जो मजदूर बॉडी जो जिसे कहा करते थे, जो 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 सड़क पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी अगर आप बॉडीज देखोगे तो मुझे तो वो बॉडी जिम वाली बॉडी से कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है. तो वो उसकी उम्मीद है वो टाइप की बॉडी बनाने की. एक्चुअली मैंने पिछले अक्टूबर बनाई थी और अभी थोड़ा सा वापस पेट आ गया, तो अभी वापस शुरू कर देंगे. और ये गेटअप नहीं, ये गेटअप एक्चुअली एक अलग प्रोजेक्ट के लिए, एक वेब सीरीज के लिए है. न्यू गेटअप आपको बहुत जल्दी दिखेगा. हाँ दिखेगा, उसमें तो बहुत ही दिखेगा. जी जी काफ़ी प्रेशर होता है, और बहुत प्रेशर होता है क्योंकि, और अच्छा भी प्रेशर होता है क्योंकि उसके वो जो प्रेशर है उसकी वजह से और मेहनत करनी पड़ती है, और एकदम और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फिर उसके बाद, वो जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि वो प्रेशर इतना है, तो उसकी वजह से काम और करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो वो एक अच्छा हेल्दी पॉजिटिव प्रेशर है वो. अरे मैं करना चाहता था अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता, लेकिन मानव कॉल ने बना भी दी, तो मेरे को पता नहीं अभी क्या करना पड़ेगा यार. मैं उस दिन ही पढ़ रहा था पेपर में, उनने फिल्म बना दी मेरे को बहुत अभी, लेकिन एक और फिल्म है हीरो हीरा लाल करके, इंशाल्लाह वो करने को कभी मिलेगी. जी जी सॉरी सर, क्या क्लास और जी 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 आई थिंक वो सब ऊपर वाले के हाथ में, आपको जो काम मिलता है जो नहीं मिलता है, और सॉरी हाँ आई थिंक वो सब तो ऊपर वाले के हाथ में कि जिसको जो काम मिलता है. आई थिंक मैं सब लोग को बोलता रहता हूँ, जितने भी नौजवान एक्टर हैं उनको बस मैं बोलता रहता हूँ कि आप अपने काम से मतलब लो और काम में ध्यान ज़्यादा दो, और अगर आप अपना काम अच्छा करोगे, अगर आप एक्टिंग अच्छा करोगे, तो आई थिंक उस काम फॉलो करेगा उसके बाद, जो जितनी भी जो सक्सेस है या जो भी है आई थिंक वो फिर फॉलो करेगा. अगर आप अपने काम में बहुत ही फोकस्ड और कमिटेड हो और अपने क्राफ्ट के साथ आपको मतलब है, आपको एज एन एक्टर इम्प्रूव करना है, तो ज़रूर आपको ही फ़ायदा होगा उसका. No, actually not really tips like that sense, but definitely I mean I ask his opinion, like jabhi bhi kuch kaam offer ya milta hai ya if I audition for something, main unko hamesha puchta hu unko ki what he thought about, like unke opinion ke liye, unki raaye lene ke liye main puchta rehta hu, lekin finally wo mujhe decision to mujh par hi chhod dete hain. हाँ बहुत बहुत, अरे यार बहुत ही बड़ी उम्मीद है. इनफैक्ट वो पहले फिल्म में भी हमने साथ में किया था, लेकिन साथ में सीन नहीं था, तो होपफुली लेकिन स्टेज पर, एक्चुअली हमने स्टेज पर शेयर किया है हमने,
हमने एक प्ले की थी पृथ्वी फेस्टिवल पिछले 2016 में, टाइटल है राइडिंग मैडली करके, जिसमें पूरी परिवार थी उसमें, तो हम सब साथ में थे, हम पांचों पांच थे। जी जी जी, नसीर साहब के साथ में आप बींग एन एनएसडीएन, उनके साथ कौन काम नहीं करना चाहता मुझे ये बता। जी वही तो इट्स लाइक आपने क्वेश्चन पूछा था ना मैं कैसे हूँ, जब नसीर साहब का नाम और इनका नाम जब आया था आई वॉज लाइक थैंक यू आपने मुझे ये स्क्रिप्ट दी। इस फिल्म में हम कोशिश कर रहे हैं नसीर सर को, और बात भी हो गई है जयराज सर से, तो होपफुली इंशाल्लाह साथ में सीन है। जी आई थिंक ये फिल्म ज़्यादातर फेस्टिवल्स में ही, आई थिंक उसके उसके ही थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और एक बज़ क्रिएट होगा, क्योंकि ये एक अलग टाइप की फिल्म है। आई डोंट थिंक ये एक मेन स्ट्रीम टाइप की फिल्म है, लेकिन आजकल जैसे आप लोगों को भी पता हो गया कि जो मेन स्ट्रीम और जो आर्ट हाउस का जो 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 लक्ष्मण रेखा है वो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, और साथ में सब मिल रहा है मिलजुल के। आई थिंक आजकल की ऑडियंसेज को शायद यही लग रहा है कि जो फिल्म से मतलब है अच्छी है या बुरी, उनको ये नहीं इससे कौन की आर्ट हाउस है या कमर्शियल है, आई थिंक उनसे उनको फिल्म से ही मतलब है। कंटेंट जी एब्सोल्युटली सर। इसमें रोमांटिक करंट है, अंडरकरंट है, आप क्या कह रहे हैं? जी आई थिंक रोमांटिक अंडरकरंट है, और इस सबसे ज़्यादा एक एडवेंचर, एक बहुत ही आई थिंक ये एक ओडिसी टाइप की है, एक बहुत ही बड़ी जर्नी है ये, जो आई थिंक माधव की जो पूरी जर्नी, जो पूरी लाइफ की जर्नी होती है, और ये जो और ऑल्सो जैसे आई थिंक जो सबसे आई थिंक इट्स अ ट्रिब्यूट और होमाज टू द पायनियरिंग बिजनेसमैन हु स्टार्टेड लाइक जैसे जेआरडी टाटा हो या यू नो जो जो पायनियरिंग जी लिज्जत पापड़ और इवन लाइक द पायनियरिंग बिजनेसमैन हु स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द आफ्टर द ब्रिटिश राज एंड हु स्टार्टेड इंडियन इंडस्ट्री हु ट्राई टू एनहांस इंडियन इंडिजिनियस इंडस्ट्री बिकॉज आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिपेंडेंस के दौरान गांधी जी की ये उम्मीद थी कि जो 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 बाहर विदेशों से जो जो सामान आ रहा है जो क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल्स वहाँ पे जाते थे उधर बन के यहाँ पे हमें दुगने प्राइस पे बेचते थे, तो फिर हमारे खुद के जो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ को रीइन्विग्रेट करने के लिए बहुत सारे ब्रेव और पायनियरिंग बिजनेसमैन का हाथ था, तो वो आई थिंक उनका एक उनके लिए एक ओमाज या ट्रिब्यूट है जो जिन बिजनेसमैनों ने हमारी खुद की जो 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 इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को प्रमोट और हेल्प किया। नहीं ये पीरियड फिल्म नहीं, नहीं 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 कंटेम्प्रेरी। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई एम सो हैप्पी, आई डिडंट नो दे गॉट मैरिड। अच्छा एंगेज कभी हुआ है? 2-3 days back, Kari, that's fantastic news, yeah. I'm really happy to hear that. Thank you so much.
डेंगू अच्छा अरे अभी तो बुखार कम है लेकिन कल परसों बहुत बहुत बुखार ऑगस्ट खत्म होने को आ गया इंटरव्यू और हमारे पास कास्ट कौन कौन है ये और वो भी थोड़ा सा आगे आई थिंक चेयर थोड़ा सा आगे लेना सर देखना बचाना अरे सर हाय सर कैसे हो संजय सर पूछना चाहूंगा आपसे कि फिल्म के बारे में कि किस तरह का सब्जेक्ट है और विवान के बारे में क्या चर्चा है कि तो किस तरह से आप देख रहे हैं इनके करियर को इनके एज एन एक्टर मतलब फ्यूचर में फिल्म किस तरह की है ये बताना अभी मुश्किल है क्योंकि अभी फिल्म हम शुरू करने जा रहे हैं तो ये वैसे ही वाली बात होगी कि डॉक्टर साहब बेटा कैसा हुआ बेटी कैसी तो और जहाँ तक विवान का सवाल है एक गुरु शिष्य होते हैं एक गुरु भाई होते हैं विवान गुरु पुत्र मतलब नसीर भाई जिंदाबाद एंड विवान और जैसे मुझे दोस्त ने बताया कि विवान और आप मैंने कहा डन कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम कुछ तो करेंगे सो ये है और जहाँ तक इनके करियर का सवाल है इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ रातों रात वाली बात तो कभी कभी आती है किसी के ज़िंदगी में लेकिन मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ और इनका प्रयास जो है इनकी एक्सरसाइज जो है वो बेहतरीन है जो बताती है कि आगे चल के कुछ तो कुछ एक बेहतर मतलब एक्टर अच्छा आएगा सामने और जो प्रोड्यूसर हैं और जो डायरेक्टर उनके क्या कहना चाहिए वो भी काफी यंग है काफी पैशनेट लग रहे हैं इस पे और बहुत नए हैं बहुत नए हैं तो क्या कहना चाहेंगे अब देखते हैं नई सोच कितना नई होती है मतलब नई सोच है अभी मतलब एक्सपीरियंस वाइज शायद मैं ही सबसे ज़्यादा मेरी भी गाइडेंस रहेगी सबको अच्छा ही होगा सोच अच्छी है कि स्क्रिप्ट अच्छी सर बीते कुछ सालों में आपने ऐसी फिल्मों में काम किया जिसका सब्जेक्ट काफी ऑफबीट रहा है जी मतलब उसमें मसाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है कुछ अलग हटके फिल्म तो क्या कहते हैं कि आज के दौर में पब्लिक वो चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है देखिए आप पूछ रहे हैं इसका मतलब ही पब्लिक कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रही है आपने कहा मसाला नहीं है तो बात नहीं होनी चाहिए थी लेकिन मसाला है इसीलिए बात हो रही है मसाला है बट थोड़े अलग किस्म का मसाला है वो एक टिपिकल एक मसाला फिल्म का हड़िया नहीं है ये मसाला है बट थोड़ा अलग किस्म का मसाला मसाला तो होना ही चाहिए सिनेमा में तो अच्छा मसाला है और ये भी यही सोच करके किया जा रहा कि एक अच्छा मसाला है कुछ अच्छे एक्टर्स हैं हम लोगों के बीच में देखते हैं कुछ अच्छा ये जो संघर्ष के आपने जो कामयाबी पाई अभी तक आपने क्या सुझाव देना चाहेंगे जो कलाकार आते हैं इंडस्ट्री में एक्टिंग करियर का सपना लेके शायद विवान के लिए मैंने बोल दिया वो वही चीज़ मैं कि आप काम करते रहिए आंखें खुली रखिए जानिए चीज़ों को सिर्फ अपने में मत रहिए कुछ चीज़ों को जानिए और देन जो होगा देखा जाएगा दुनिया के बारे में सोचा जाएगा और सर आज के दौर में जो चरित्र अभिनेता करने कैरेक्टर आर्टिस्ट उनके बारे में क्या कहना चाहिए कि कितना ज़्यादा बदल रहा है फिर से एक दौर आ रहा है जो कैरेक्टर आर्टिस्ट के ही दम पे कैरेक्टर आर्टिस्ट चरित्र अभिनेता हर किस्से का हिस्सा है वो मेरी एक फिल्म आ रही है कामयाब जो शायद कैरेक्टर एक्टर की ही कहानी है हमारे सिनेमा में हीरो हीरोइन हमेशा रहे हैं लेकिन उनके साथ के
जो लोग होते हैं कैरेक्टर एक्टर जो हम जैसे एक्टर होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अब वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि अब उन पर भी फिल्में आनी शुरू हो गई हैं तो बेहतरीन है यार अच्छे क्योंकि आजकल एक अच्छे सिनेमा का हो तो रहा था बहुत पहले से नसीर भाई भी थे श्याम बेनेगल थे सत्यजीत रे थे सब लोग मिल मिल के सही परिच पे थी शुरू किया था लेकिन अब उसमें से फल आने लग गए ऑडियंस तैयार हुई तो चरित्र एक्टर का कैरेक्टर एक्टर का अच्छा भविष्य है नवाजुद्दीन है चरित्र का मतलब सारे लोग वैसे ही कैरेक्टर से सब निकले हुए पंकज त्रिपाठी हैं जो भी और जितने भी सब लोग हैं और आज अपने कंधे पर फिल्म लेके चलते हैं तो बेहतरीन है ना यस क्या किरदार होगा पहले मुझे फिल्म का किरदार समझ में आ जाए फिर मैं उसमें अपना किरदार ढूंढूं और क्या था जो मैं इसको करूं बिहार था बिहार है बिहार रहेगा विवान था विवान है विवान रहेगा फिल्म में तो ये थे और प्रोड्यूसर डायरेक्टर नए मुझे नए लोगों ने बड़ा चमकाया है नए लोगों के साथ काम करके ना आपको खुद भी एहसास होने लगता हो बड़ा एक्सपीरियंस का तो उंगली पकड़ के चले जाओ ना आगे चलो भैया मुझे लेके चलो छोड़ देना लेकिन जो नए होते हैं सब एक एक पैर यूं रखते हैं कि अरे बेड़ा देखना नए तो हाँ कहीं गलत ना हो जाए या कुछ तो एक अच्छा ये सब चीज़ें थी स्क्रिप्ट थोड़ी समझदार लगी थी नहीं है बस यही सब वजह है कि ये फिल्म चूज की आप किस तरह से जुड़े मतलब 20 मिनट बाद ये सवाल पूछ रहा है मैं ये कहना अच्छा आपसे पूछ रहा हूँ मैं चेरकोट भाई एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है शायद आप लोग नहीं पहचान रहे हैं एक फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर जानती होंगे उसमें एक करेक्टर था जेपी सिंह बेटा तुमसे ना हो पाएगा हाँ एक्चुअली वो था मैं अभी वैसा दिख रहा हूँ तो इसलिए पहचान में नहीं आ रहा हूँ वही अब हो गया ठीक है और संजय भाई के साथ मैंने मसान भी किया था फिल्म तो आपने क्या आपका क्या सवाल था क्या आप कैसे जुड़े हैं मैं इस फिल्म में एक करेक्टर है जो सेकंड लीड है इस फिल्म का इनके दोस्त का विवान के फ्रेंड का है करेक्टर जो इनके साथ एक जर्नी शुरू करती है उसी टोले मोहल्ले की जहाँ की कहानी है और जिस जर्नी के बारे में विवान ने बताया वहाँ तक वो पूरी एक दोस्त के नाते हर तरह हर कदम पे खड़ा है और वो सक्सेस का जो जर्नी वो लोग तय करते हैं वो एक मेरा करेक्टर उस पर तो जुड़ने का हमें क्या करना पद्मा मैम जो संजय सर की वाइफ और विवान की मदर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये सत्या जी जो उनके फ्रेंड का कैरेक्टर कानू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं संजय सर जो उनके फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विवान सर जो लीड हैं उनके बाजू में मेरे पार्टनर बैठे हुए हैं उनके बाजू में हमारे अभिषेक कुमार अभिषेक और उनके बाजू में नवीन प्रकाश जी जो उनके एक और लाइक फ्रेंड का कैरेक्टर गुड फ्रेंड का जो उनको डायरेक्शन देते हैं और वो हमारे डायरेक्टर साहब अक्षय सिंह उनके बाजू में एलिना वो सेकेंड लीड है एंड बादल ही इज ऑल्सो फ्रेंड अरे अपने आप होगा कोई करेगा मैडम आइए आप आइए प्लीज 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 आइए
नहीं नहीं हाँ क्या बोल दीजिए बोल दीजिए अच्छा वो ये हाँ नहीं बात सर कैसे बोल बहुत काम है भागना नहीं है संजय सर संजय सर का सोलो भाई आप